सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई के सिलेबस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट का सिलेबस, क्योंकि एसएससी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और लास्ट डेट है 12 सितंबर 2019। तो आपके पास अगर डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट का सिलेबस। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम स्कीम को। तो अगर एग्जाम स्कीम की हम बात करें तो पेपर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और इसकी एग्जाम डेट अभी नहीं आई है। ये एग्जाम जो होगा ये होगा कंप्यूटर बेस्ड और इसमें तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसके 50 प्रश्न आएंगे 50 मार्क्स के। वहीं सेकेंड पार्ट होगा जनरल अवेयरनेस का, इसके 50 प्रश्न आएंगे 50 मार्क्स के। थर्ड पार्ट जो होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा, इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुनेंगे। जैसे पहला है जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, दूसरा है इलेक्ट्रिकल का और तीसरा है मैकेनिकल का। तो आपने जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किया है आप उस सब्जेक्ट का पेपर हल करेंगे। इसमें 100 प्रश्न आएंगे 100 मार्क्स के। समय मिलेगा आपको टोटल 2 घंटे का समय मिलने वाला है, यानी 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन हल करने होंगे। वहीं जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको 2 घंटे 40 मिनट दी जाएंगी, उन कैंडिडेट को जो विजुअली इम्पायर्ड हैं। बाकी कैंडिडेट को 2 घंटे का समय ही मिलेगा। तो आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 50 होंगे रीजनिंग के, 50 होंगे जीके के और 100 होंगे आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के। और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी अगर आप 4 उत्तर गलत कर देते हैं तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। तो 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब इस सिलेबस को देख लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, जिसके 50 प्रश्न आने वाले हैं। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग आने वाली है। इसमें एनालॉगी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेज, स्पेस विजुलाइजेशन, समस्या को हल करना, समस्या का विश्लेषण करना, निष्कर्ष और निर्णय, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। ये जो प्रश्न होंगे इनका स्तर 12th लेवल का होगा, यानी 12th पास कैंडिडेट से ये उम्मीद की जाती है कि वो इन प्रश्नों को हल कर सके। उस लेवल का इनका कठिनाई का स्तर रहने वाला है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि SSC कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL 10+2 लेवल का इसका लेवल रहने वाला है। वहीं बात करें हम जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और SSC के एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लेते हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे किस तरीके का ये आने वाला है। तो ये तो बात हो गई हमारी रीजनिंग और GK की या जनरल अवेयरनेस की। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके सब्जेक्ट का पेपर आने वाला है। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपकी बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टीमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉयल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे, ये टॉपिक कवर होंगे। साथ ही स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में थ्योरी आएगी आपकी स्ट्रक्चर की, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और RCC डिजाइन, स्टील डिजाइन, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे उन कैंडिडेट के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग से फॉर्म भरेंगे। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो बेसिक कंसेप्ट आएंगे इसमें, इसके अलावा सर्किट का नियम आएगा, मैग्नेटिक सर्किट आएगा, AC फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, ये दोनों टाइप की मोटर्स इसमें आएंगी, सिंक्रोनस मशीन्स आएंगी, इसके अलावा जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल आएगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सब आएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल से जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनके पार्ट फर्स्ट में थ्योरी ऑफ मशीन्स आएगी, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके अलावा एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर IC इंजन्स, IC इंजन परफॉर्मेंस, IC इंजन्स कम्बशंस, इसके अलावा IC इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, रैंकिंग साइकिल ऑफ सिस्टम, बॉयलर्स, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एसेसरीज, एयर कंप्रेसर्स एंड देयर साइकिल्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल्स एंड स्टीम टर्बाइंस, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा फ्लड्स की प्रॉपर्टी जो क्लासिफिकेशन, फ्लड स्टैटिक्स,
measurement of flood pressure, fluid kinematics, dynamics of ideal fluids, measurement of flow rate, basic principle, hydraulic turbines, centrifugal pumps और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, ये सब आपसे पूछा जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो हम एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, यानी आपको सिर्फ क्लिक करना होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 50 होंगे जीके के एंड जनरल अवेयरनेस के, 100 होंगे आपके सब्जेक्ट के जो आपने भरा है, यानी जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये तो बात हो गई पेपर फर्स्ट की। अगले कुछ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की, यानी सिविल का पेपर सेकंड में क्या सिलेबस रहने वाला है, मैकेनिकल का क्या रहने वाला है और इलेक्ट्रिकल क्या रहने वाला है, तो आप वो वीडियो भी अवश्य देखना। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।